ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को कोशिश करता हूँ समझाने की सर्च इंजन चीज क्या होती है। सबसे पहले इस डेमो सेशन में हम पूरा का पूरा समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन काम कैसे करता है, एक दूसरे से रिलेटेड कैसे, हमारी वेबसाइट सर्च इंजन को कैसे पता लगेगी कि हम किस बारे में है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो पीछे पूरा मेरा आप रूम देख रहे हैं, लेट्स सपोज ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अंकिता मेरे पास आती है और कहती है प्रभाकर आई नीड शेक्सपियर बुक। मैं बड़ा बूढ़ा सा आदमी, इस लाइब्रेरी के अंदर घुसता हूँ, दुनिया की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैं 4-5 घंटे लगा देता हूँ आपकी बुक जो रिक्वायर्ड बुक थी उसको ढूंढने में, मिलती नहीं है मुझे, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कस्टमर, आप दुकान छोड़ के चले गए। मैंने फ्रस्ट्रेशन में क्या किया, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, मैंने कहा कि यार दुकान तो चलेगी नहीं। सो आई हायर्ड अ पर्सन जिसने मेरे लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया और मैंने उसको अपने टेबल पे रख लिया। नेक्स्ट टाइम अंकिता जैसी मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि यार मुझे प्रभाकर अगेन एक शेक्सपियर की बुक चाहिए, मैंने फटाक से एक पर्ची पे शेक्सपियर लिखा, उस मशीन के अंदर डाला और 4 बुक निकल के मेरे टेबल के ऊपर। अंकिता इज लाइक बॉन्कर्स, ये क्या हो गया, ये तो यार बड़ा ढीला ढाला आदमी था, ये क्या अचानक से कैसा इतना अपडेट हो गया। सो आप बहुत खुश हो गए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल गया, मेरी दुकान भी चल रही है। सो कनेक्ट कीजिएगा आप, ये जो पूरी लाइब्रेरी थी ना जिसमें मैं गया था, दैट इज कंप्लीट इंटरनेट। वो जो मशीन मैंने बनाई थी, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बना के दी है, जिस भी डेवलपर ने बनाया, दैट इज सर्च इंजन। और वो जो पर्ची पे मैंने लिखा था ना शेक्सपियर, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। कौन सा सर्च इंजन किस एल्गोरिथम पे चलता है हमें बस यही समझना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि गूगल कैसे काम करता है, तो सिंपल सा तरीका नाम समझने का, लेट सपोज अंकिता की जॉब बैंगलोर लग जाती है, अंकिता बैंगलोर जाती है, सबसे पहला काम मैम आप क्या करोगे, आप बैंगलोर में किसी ब्रोकर को पकड़ोगे जाके और उसको बोलोगे कि जी मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, मेरा बजट है 20,000, मुझे इतने में घर दिला दो, यही करोगे ना। तो अब वो ब्रोकर क्या करेगा, सबसे पहले आपके लिए आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक घर ढूंढेगा और जल्दी से जल्दी डील क्लोज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका कमीशन बनेगा उसमें। तो जब गूगल बन रहा था तो गूगल ने कहा यार पहले से हिंदुस्तानियों ने दिमाग लगा रखा है, हम क्यों लगाएं इस चीज पे। तो गूगल ने भी अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरीके से बना ली। तो गूगल ने क्या किया, जो भी बंदा सर्च कर रहा है उसको एक अच्छा कंटेंट दिखाना। हर बिजनेस मैम कहीं ना कहीं बैकबोन होता है हर बिजनेस का कस्टमर, अगर आपके पास ग्राहक आ रहा है ना तो आपकी वेबसाइट आपका ब्लॉग हर कुछ चलेगा। अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा ना तो आप किसी भी ब्लॉग पे चले जाएं, कितना ब्रिलियंट आइडिया, कितना बड़ा भी ब्रिलियंट आइडिया होना, वो चल नहीं सकता। तो यहाँ कस्टमर पकड़ने की बात है कि कैसे कस्टमर पकड़े, कैसे काम करें। अब जो ये गूगल था, ये गूगल भी सेम फॉर्मेट पे काम करता है, इसने भी सेम वही फॉर्मेट यूज किया कि भैया जो कंटेंट ढूंढ रहा है उसको कंटेंट ओनर से मिला दो और जय श्री राम, खत्म बात। अब सोचने वाली बात ये है मैम, जैसे दिल्ली में लेट सपोज कितने होटल्स होंगे, दिल्ली में कितने होटल्स होंगे, एनी आइडिया? मेबी 25,000 अप्रोक्स। परफेक्ट, मेबी। जब आप होटल्स इन दिल्ली सर्च करते हैं कीवर्ड, टेक्निकली व्हाटएवर यू राइट इन गूगल और एनी ऑफ द सर्च इंजन इज टेक्निकली नोन एज कीवर्ड। जब आप गूगल पे कुछ लिखते हैं किसी भी सर्च इंजन पे, तो आपको एक रिजल्ट पेज दिखता है, उस रिजल्ट पेज पे सिर्फ 9 लोग होते हैं, तो उस 25,000 में से सिर्फ वो 9 लोग ही क्यों दिख रहे हैं, वो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन जिस पे वो लिस्टिंग आ रही है, वो समझता है कि वो जो 9 लोग हैं वो एग्जैक्टली वही लोग हैं जिनके बारे में आप सर्च कर रहे हो। अच्छा, वो अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिखाने की कोशिश करता है। जैसे एक एग्जांपल से कनेक्ट कीजिएगा, 8th-9th class में एक मॉनिटर होता था क्लास का, है ना? Yes. वो मॉनिटर कौन होता था, वो ऐसा बच्चा होता था जो क्लास में फर्स्ट आता था, वो ऐसा बच्चा होता था, हो सकता है वो सेकंड भी आता हो, वो ऐसा बच्चा होता था जो स्पोर्ट्स में अच्छा होता, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में अच्छा होता था, और इंडिया का थोड़ा टीचर से भी अच्छी बनती होनी चाहिए थी, इंडिया में भी गुड की जरूरत होती है बहुत। तो इसीलिए अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आपको किसी कीवर्ड के लिस्टिंग का मॉनिटर बनना है ना, तो आपको गूगल के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आपको अच्छे नंबर्स चाहिए हर प्रोटोकॉल में। जैसे आपकी वेबसाइट देखने में कैसी है, आपकी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिव स्ट्रैटेजी है या नहीं है, आप कस्टमर को, सो द एंड गोल ऑफ गूगल और एनी ऑफ द सर्च इंजन इज टू प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट टू द विजिटर हु इज एक्चुअली सर्चिंग फॉर योर वेबसाइट।
provide गूगल से पता है जी क्वेश्चन पूछे मैम नहीं टू प्रोवाइड अ परफेक्ट सॉल्यूशन टू द द विजिटर राइट अब सबसे बड़ी समझने वाली बात ये मैम गूगल हमारी नसों को जानता है इस टाइम हम क्या कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हर कुछ गूगल को पता है तो गूगल को अच्छे से पता है अगर आप होटल्स इन दिल्ली ढूंढ रहे हो या फिर बेस्ट होटल इन दिल्ली टाइप कर रहे हो तो गूगल को पता है कि बेस्ट होटल दिल्ली में कौन सा है वो ही कैन एबल टू फाइंड फ्रॉम द रिव्यूज तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपने गूगल पे लिखा बेस्ट होटल इन दिल्ली और अचानक से गूगल ने आपको रेडिसन ब्लू के होटल पे डाल दिया वेबसाइट पे डाल दिया ऐसा हुआ है क्या नहीं हुआ ना ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ एग्जांपल से कनेक्ट कीजिए मैम आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप पूछते हैं कि मुझे दाल मखनी खानी है कभी ऐसा थोड़ी होता है कि रेस्टोरेंट वाले ने आपको पकड़ा टेबल पे बिठाया और दाल मखनी मुंह में डाल दी ऐसा नहीं होता वो आपको बिठाएगा टेबल साफ करेगा अच्छे से आपको मेन्यू कार्ड देगा उसको अच्छे से पता है कि आपने अगर दाल मखनी के लिए पूछा है तो आप दाल मखनी ही खाओगे लेकिन वो आपको एक मेन्यू कार्ड देगा और आपको बोलेगा जी ये देखिए हमारे मेन्यू ऑप्शन है और इस मेन्यू ऑप्शन में जो दाल मखनी आपने मांगी है वो आपको वेटर पेज पलट के दिखाएगा ये देखिए जी हमारे पास इतनी टाइप की दालें हैं जिसमें दाल मखनी टाइप का टेस्ट है आप चूज कर लीजिए आपको कौन सा चाहिए व्हाट इज ऑल अबाउट ये पूरा का पूरा जो चीज है ना ये कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कर रहा है दिस इज ऑल अबाउट गूगल यही कर रहा है जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है वो स्क्रीन दो पार्ट में डिवाइडेड होती है द टॉप वन इज कॉल्ड पेड एड्स Paid ads. कैसे पहचानेंगे मैम एक छोटा सा स्क्रीन कनेक्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यू आर एबल टू लाइक लोकेट पेड एड्स कैसे होते हैं क्या होते हैं आप पेड एड्स जानते हैं मैम एडवर्ड्स गूगल या आई हैव सीन एक बॉक्स टाइप का होता है और वो उसमें जैसे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो बॉक्स टाइप का एड टाइप का लिखा रहता है उसमें चलिए मैं दिखा देता हूँ मैम क्या है इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ होटेल्स इन दिल्ली मैंने जैसे ही टाइप किया ये देखिए मैम जहां पे भी आपको एडी लिखा हुआ दिखे किसी के बगल में ये गूगल एड्स है हमेशा आप किसी भी सर्च में जब काम करेंगे किसी भी कीवर्ड पे काम करेंगे तो ये जो सेक्शन होगा ना जो गूगल का सर्च पेज है वो टेक्निकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है कैसे डिवाइडेड होता है जैसे अगर ये मेरा गूगल का स्क्रीन है ये पूरा गूगल का स्क्रीन है तो इस पूरे स्क्रीन पे सबसे ऊपर तीन या फिर चार एड्स दिखाई देंगे अगर ज्यादा स्टैंडर्ड कीवर्ड है और इसके नीचे कुछ नौ लोग दिखाई देंगे आपको नाइन पीपल इस जगह पे आने के लिए दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक लिस्टिंग आपने आजकल ऑर्गेनिक दालें खाई हैं ऑर्गेनिक सब्जियां खा रहे हैं हम ऑर्गेनिक दालें खा रहे हैं इसका मतलब क्या है इस वर्ड का मतलब क्या ऑर्गेनिक इस वर्ड का मतलब है कि आपके सामान में मिलावट नहीं है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक प्योर प्योरिटी है तो गूगल भी यही कहता है कि ये जो नौ लोग नीचे में दिखा रहा हूं ना ये नौ लोग प्योर हैं इनके लिस्टिंग में हमने कोई पैसा नहीं लिया हुआ तो दैट मींस ऑर्गेनिक रैंकिंग दिस इज टेक्निकली नोन एज दिस लिस्टिंग इज नोन एज ऑर्गेनिक रैंकिंग इन गूगल सर्च और एनी ऑफ द सर्च इंजन सो ऑर्गेनिक रैंकिंग में आपको सर्च इंजन को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है आपको बस अपने आप को साबित करना है कि आप अच्छे हैं अब मैम गूगल चाहे रहे ना रहे या फिर गूगल का कोई भाई आ जाए या फिर कलो की गूगल खत्म हो जाए और फेसबुक अपना एक सर्च इंजन लेके आ जाए तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी अगर एक फिक्स स्ट्रैटेजी है सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ना कि गूगल के अकॉर्डिंग तो हमें उस सर्च इंजन को दिखाना पड़ेगा क्योंकि अगर हमारे कॉन्टेंट में दम है ना तो गूगल तो हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़ा रहेगा लेकिन लोग दिखा नहीं पाते इसीलिए जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो तीन लोगों के लिए बनाते हैं याद रखिएगा ये फॉर्मूला मैम बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं मतलब एक वेबसाइट तो तीन लोगों के लिए बनाते हैं पहला आप अपने लिए क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर बन रहे हैं शाहरुख खान से कम नहीं है कॉन्फिडेंस होगा ना खुशी होती है तो इसीलिए अपने आप को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है चलो अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया हमने बहुत ब्रिलियंट वेबसाइट बना ली डिजाइन कर लिया ये कर लिया बहुत सारी चीजें कर ली कुछ अपने वीडियोस डाल दी फोटोशूट डाल दिए नाउ यू आर कॉन्फिडेंट दूसरा है वो बंदा जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है क्या हमने अपनी वेबसाइट पे इस टाइप का कंटेंट डाला है कि जो विजिटर आ रहा है वो देख के खुश हो जाए हम तो खुश हो ही जाएंगे बिकॉज़ वो हमारा प्रोडक्ट है बट अगर कोई दूसरा बंदा भी उस वेबसाइट को ढूंढ के खुश हो रहा है तो दैट मींस हमारा विजिटर कंफर्टेबल जोन में है तीसरा है सर्च इंजन हमें अपनी वेबसाइट के कोड्स को सर्च इंजन को भी समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमारा जो वेबसाइट है वो हमें अगर खुश कर दे हमारे अकॉर्डिंग बन जाए
तो वो हम ही देख पाएंगे और हमारे फ्रेंड्स देख पाएंगे. बट अगर सर्च इंजन को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस कैटेगरी में हैं या किस बारे में हैं, तो हमारी लिस्टिंग नहीं हो सकती. अब हम सर्च इंजन को समझाएंगे कैसे कि हमें इस प्रॉपर कीवर्ड्स पे लिस्टिंग में मॉनिटर बना दो, क्लास का मॉनिटर बना दो. क्योंकि जैसे लेट सपोज अंकिता का एक होटल है दिल्ली में, अंकिता ने डाला कि अगर कोई गूगल पे सर्च करे होटल्स इन दिल्ली तो मैं दिखनी चाहिए. गूगल को बहुत अच्छे से पता है आपने वेबसाइट डाली है, आपका नाम है, आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल वाइटल सब कुछ डाला है बहुत अच्छे से होटल से रिलेटेड. तो गूगल आपको क्या करेगा, आपकी लिस्टिंग को उठाएगा और होटल वाले बकेट में डाल देगा, होटल वाले डेटाबेस में डाल देगा. ओके. लेकिन जैसे ही कोई गूगल पे सर्च करेगा ना होटल्स इन दिल्ली, तो गूगल का सर्वर सिंपल उस बकेट के अंदर हाथ डालेगा और जो भी ऊपर तैर रहा होगा उसको उठा के ले आएगा. हम उस बकेट में तो पहुंच गए, लेकिन ऊपर स्विम कैसे करेंगे, ऊपर तैरेंगे कैसे? हो सकता है हम उस भीड़ के दबे हुए, हो सकता है हम 100 पेज पे हों, उसका कोई फायदा ही नहीं है. क्योंकि इंसानी दिमाग है, जो पहले दिखेगा मैम उसी पे भरोसा कर लेते हैं. तो फर्स्ट पेज पे आने के लिए एक टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं जिसका नाम टेक्निकली बोला जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, अगर मैं इस तीन वर्ड्स को ब्रेक कर दूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और अगर ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस्ड रहूं मैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन, इंग्लिश शब्द का बेसिक मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन, हेल्प कर पाएंगे मेरी? Sir, optimization means something which we are searching and it has developed something like jaise you have optimized something, you have produced something, optimization. Okay. Kind of. So, okay. मेरी क्लास में टेक्निकल बात ही नहीं होती मैम, ठीक है. मजे मजे में पढ़ना है, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड आई एम श्योर वो आ जाएगा. सो ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक मतलब होता है जीरो से स्टार्ट करना और हीरो बन जाना. जिस प्रोसेस को, जिस पाथ को, जिस चीज को हम यूज करेंगे, जिस तरीके को हम यूज करेंगे, उसको हम कहेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि SEO क्या होगा, सर्च इंजन पे अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे जो तरीका, जो रास्ता हम यूज करेंगे, फॉलो करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मतलब सर्च इंजन के प्रोटोकॉल्स को. अब सर्च इंजन कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं. जैसे आपने एक वेबसाइट बना ली और अचानक से सर्च इंजन का कॉल आया आपके पास, हाँ जी मैम कितनी जमीन है, पापा का नाम क्या है, उस बेस पे आपको प्रमोट कर दिया, हाँ जी बहुत बड़ी हस्ती है इसको प्रमोट कर दो. ऐसा तो होता नहीं है. होगा क्या, जैसे आप लेट सपोज इंडिया में एक आदत है, अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते ना तो हम कहते हैं चलो जी US का इमिग्रेशन ले लेता हूँ. तो लेट सपोज अंकिता को मन कर गया कि मैं let me shift to US, तो आप किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने बैठेंगे ना, तो वो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट निकालेगा. उस फॉर्मेट पे लिखा होगा अगर आप पे कोई केस कभी हुआ है, कोई पुलिस वेरिफिकेशन का सब कुछ क्लियर है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, इस बेस पे, इस प्रोटोकॉल्स पे आपको वो सही या गलत डिसाइड करेगा, आपको सर्टिफाई करेगा कि आप सही हो गलत हो. वैसे ही गूगल के कुछ लिस्टेड प्रोटोकॉल्स हैं, उस प्रोटोकॉल के बेस पे गूगल ये डिसाइड करता है कि आपकी साइट सही है गलत है. और कितनी सही है, कितनी सही है, वो कैसे डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपके साइट का कंटेंट और जिस तरीके से आपने उसको दिखाया है वो सही है गलत है. सही है गलत है. सर आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे आपने बताया कि जो बॉक्स होता है उसमें एड एडी करके लिखा रहता है, तो दैट एड इज नॉट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. नो, सो ऑर्गेनिक लिस्टिंग में आने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज डन. जो लाइन के नीचे जो है 9 जो आपने बोले थे कि लिस्टेड आ जाते हैं वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. जी मैम, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से वहां आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक लिस्टिंग. पेड एड्स तो मैम आप 15 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो. अगर इफ आई वांट कि अगर कोई गूगल पे जाके सर्च करे हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एंड इफ आई वांट कि माय नेम विल बी ऑन द टॉप, आई कैन डू इट इन 15 मिनट्स. ओके. आई कैन यूज एनी ऑफ द कीवर्ड्स एंड प्रमोट माय वेबसाइट और एनी ऑफ माय डॉक्यूमेंट. ठीक है. मुकेश रावत जी आप शायद ज्वाइन कर चुके हैं हमें. मुकेश रावत जी सुन पा रहे हैं आप हमें? ओके, नो वरीज. चलिए, सो अभी आगे बात करते हैं कि हमने लेट सपोज हमने वेबसाइट भी बना ली, गूगल को भी समझा दिया. अब समझाने के बाद मैम बहुत सारे और भी तो लोग होंगे ना जो समझा रहे होंगे, तो हम ही ऐसे स्पेशल क्या है हमें कि गूगल हमें प्रेफरेंस देगा, हमें क्लास का मॉनिटर बनाएगा?
because of our attractive lines maybe. ठीक है चलिए. गूगल को कैसे पता है मैम अट्रैक्टेड लाइंस क्या होती हैं? हर इंसानी दिमाग अलग होता है मैम. आप जैसे मैं अगर इंग्लिश में ये बोलूंगा कि आई एम गोइंग दिस वे, इस चीज को 10 लोग अलग अलग टाइप से बोलेंगे. तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आज तक बना नहीं है मैम जो हर इंसान दिमाग को रीड कर पाए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अभी जो मार्केट में चल रहा है वो भी पुराने डेटा पे डिपेंडेंट होता है. फ्यूचर कोई भी नहीं देख पाया अभी तक. तो आप क्या सोचेंगे और क्या लिखेंगे इस पे मैटर नहीं करता. समझाएंगे कैसे गूगल को? समझाने का तरीका है मैम, जैसे अगर मुझे भगवान ने धरती पे भेजा है तो मैं अपने आप में एक डेटा हूँ. डेटा का मतलब मेरी दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, दो हाथ हैं, 10 फिंगर्स हैं, मैं डेटा हूँ. तो अगर इस क्लास के बाद आपके पास मेरा एक फोन नंबर होगा, उस फोन नंबर को यूज करके आप कभी भी मेरे को रीच आउट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं प्रभाकर सर कितने कान हैं आपके, है ना, यही होगा ना. यस. सो इसीलिए जो वो फोन नंबर है वो मेरा बड़े डेटा का एक छोटा डेटा है. ठीक है, दैट इज टेक्निकली नोन एज मेटा डेटा इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट. मेटा डेटा, हाउ डू यू डिफाइन मेटा डेटा? डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा. ठीक है, मेटा डेटा की वजह से गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन आपको समझता है कि आप किस कैटेगरी के हैं और आप किस टाइप के कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग चाहते हैं. क्लियर है बहुत? Okay. तो मेटा डेटा के अंदर दो तीन टाइप के टैग्स होते हैं. अभी आपके लिए समझना थोड़ा सा टफ होगा, रीजन बीइंग यू जस्ट स्टार्टेड. तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की, वेबसाइट्स के रेफरेंस में दिखाने की कि कैसे गूगल सर्च इंजन आपको रीड कर रहा है और प्रेफरेंस कैसे देता है. लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन. जैसे मैंने होटल्स इन दिल्ली डाला, इस कीवर्ड को डालते हैं. विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट द एड्स राइट नाउ, उस पर हम बाद में बात करेंगे कैसे होता है. अभी हम सिंपल ये देखते हैं, जैसे यहां देखिए ट्रिवैगो है. Yeah. ठीक है, या फिर लेट्स गो टू एनी ऑफ द होटल्स के बाद, जैसे booking.com है. ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज आप लिखी हुई देख रहे हैं ना, 30 बेस्ट होटल्स एंड प्लेसेस, ये आ कहां से रहा है? हमने गूगल को फोन करके थोड़ी बताया कि गूगल जी ये अपडेट कर दो. कहीं ना कहीं हमने अपनी वेबसाइट में कोड्स लिखा होगा. नाउ लाइक अंकिता, यू अंडरस्टैंड कि जो आप पिछली क्लास में जो ज्वाइन किया था आपने थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, उसमें मैं एचटीएमएल क्यों सिखा रहा था. यू कैन बी अ गुड डिजिटल मार्केटियर आफ्टर द कोर्स, यू कैन बी अ ब्रिलियंट डिजिटल मार्केटियर, बट टिल द टाइम यू डू नॉट नो हाउ टू अपडेट द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड द कोड्स ऑन योर लाइव वेबसाइट, यू आर नॉट अ गुड डिजिटल मार्केटियर. डिजिटल मार्केटर है क्या मैम? आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं ना. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जब आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो जब ब्रेकर आता है ना तो आप फर्स्ट और सेकंड गियर में कंफ्यूज जाते हैं कौन सा गियर लगाएं. बट 6 महीना आप सीट पे बैठ के गाड़ी चलाओ ना दिल्ली में, आप आराम से फोन पे भी बात कर रहे होगे ना, तो हाथ अपने आप जाता है और सेकंड गियर पे आ जाता है गियर ब्रेकर आते ही. दैट इज कॉल्ड द स्किल सेट. सो डिजिटल मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ परफॉर्मा और अ प्रोसेस जो दिमाग से सोचा जाता है. अपने यूजर को समझो, पकड़ो कि पकड़ना कैसे इसको. तो वो नसों में दौड़ना चाहिए. चलिए अब इस पे आते हैं मैम. ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे बूस्टर बीच बीच में मिलते रहते हैं मैम, एनर्जी रहती है ना. ठीक है, चलिए चलिए ठीक है. और ये देखिए जो ये गूगल में दिख रहा है ना, ये कैसे दिख रहा है. मैं इस साइट पे क्लिक करता हूँ और इस साइट की वेबसाइट पे जाता हूँ, और वेबसाइट पे जाने के बाद मैं इस पे कोड्स को चेक करूंगा. ठीक है, इस कोड को देख के अभी घबराए नहीं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. चलिए ये जो लिखा हुआ था ना यहाँ पे 30 बेस्ट होटल जो गूगल में लिस्टिंग में दिख रहा था. yes. कोड एक बार खुल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल में हमने लिखा कहाँ या फिर अपनी वेबसाइट में लिखा कहाँ. How did you open that? वो कोड्स कैसे ओपन हुआ आपका? Okay. Go to any of the website and if you are using a window machine then simply press control U, U as in umbrella. Okay. ठीक है. Okay. Or you can go to any of the website and just make a right click on the page. I'll explain you. Just make a right click on any of the page's content and go to view page source. You'll be able to see the source code. Okay.
अब चलो हमारे पास यहाँ पे खुल गया, सोर्स कोड बहुत बड़ा होता है इसलिए इसमें हम फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का यूज करते हैं, दैट इज फॉर सर्च. कंट्रोल एफ हमने किया एंड लेट मी फाइंड टाइटल. ये देखिए मैम, मैंने एक टैग फाइंड किया, दिस इज एन एचटीएमएल टैग जो आपको कोर्स के दौरान समझ आएगा. सो व्हाट वी डू, जब हम कोर्स इनिशिएट करते हैं तो उसमें हम पहले दो दिन आपको एचटीएमएल के कोड समझाते हैं, बिकॉज इस टाइप का अगर सिनेरियो आप कभी देखोगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे. वरना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आप किसी फ्रेंड को ढूंढ रहे होगे जिसने कोर्स कर रखा होगा वेबसाइट डिजाइनिंग का, फायदा क्या है. चलिए यहाँ पे देखिए मैम, ये देखिए जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी यही सेम लाइन आपको वहां लिस्टिंग में दिख रही थी गूगल के, मतलब गूगल का जो मेन्यू कार्ड है वहां पे आपकी वेबसाइट इस लिस्टिंग की वजह से आ रही थी. ठीक है, उसके टाइटल पे ये लिखा हुआ था. ये हम क्यों लिखते हैं, टू अट्रैक्ट पीपल. ठीक है, कि हमारी लिस्टिंग में ऐसा क्या है. कमिंग टू द अदर पॉइंट, कि यहाँ पे देखिए मैम, यहाँ पे इन्होंने जो कंटेंट लिखा है 30 बेस्ट होटल्स एंड प्लेसेस टू स्टे इन दिल्ली. अगर यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड ढूंढूं, होटल्स आ रहा है, इन दिल्ली आ रहा है, तो होटल्स इन दिल्ली तीनों कीवर्ड आ गया यहाँ पे, तीनों वर्ड्स आ गए. दैट मींस गूगल को लगा है कि यार ये वेबसाइट में कहीं ना कहीं होटल्स इन दिल्ली मेंशन है, तो इसको दिखाओ. अब आप उस बकेट में तो पहुंच गए, लेकिन बकेट में ऊपर कैसे तैरोगे, स्विम कैसे करोगे, कि गूगल जब हाथ डाले उसमें और आपकी लिस्टिंग को निकाल के लाया, आपके सेक्शन की लिस्टिंग को, तो आप भी उसमें से 9 लोगों में से एक हो. अभी कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक मेटा, जो मैंने अभी आपको बताया, मेटा इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर कंप्लीट वेबसाइट डेटा, जो गूगल को समझ आता है. गूगल इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इन द इनिशियल फेज. गूगल इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट जब पहली बार आपकी वेबसाइट पे आता है कि आपके साइट में क्या लिखा है, क्या कॉन्टेंट है. गूगल सीधा आता है और इस कोड को रीड करता है. Which code, sir? I can't see. Meta. मैम ये देखिए, मैंने meta select किया हुआ है. अभी मैंने आपको बताया, what do you mean by meta? Yeah. ठीक है? So meta is data about data. Data about data. ठीक है? So बड़े data का एक short form जो data होता है, उसको meta बोलते हैं technically. Okay. ठीक है? So meta में कुछ sections होते हैं, जैसे मेरे दो हाथ हैं, तो वैसे ही meta के कुछ subdivisions हैं. One is keyword. Another is description. बहुत सारे मेटाडेटा होते हैं, मेटाडेटा बहुत सारे हो सकते हैं. अभी हम सिर्फ दो पे बात करेंगे फॉर द जनरल सिचुएशन. सो यहाँ देखिए कीवर्ड्स, इस कीवर्ड में मैम इन्होंने देखो क्या क्या मेंशन कर रखा है. जिस भी वेबसाइट को, इनकी जो वेबसाइट है, ये जो पेज है, इस पेज के जिस जिस कीवर्ड पे चाहते हैं कि इनकी साइट दिखे, इन्होंने यहाँ वहां वहां पे लिखा हुआ है. अब अंकिता द क्वेश्चन इज फॉर यू, अगर आपको HTML नहीं पता है कैसे लिखना है, तो क्या आप ये काम कर सकते हो? नहीं, not possible. तो मैम आप अच्छे डिजिटल मार्केटर नहीं हो, करेक्ट? Now you're very clear कि हम क्यों HTML सिखाते हैं पहले? Maybe the tags, the lines, framing. Yes, वो आपको समझना चाहिए, है ना? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे Google Analytics, you might have heard about Google Analytics, जो आपको ये बताता है कि आपकी वेबसाइट पे कौन आ रहा है, कब आ रहा है, किस क्या बिहेवियर शो कर रहा है. तो गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट में कोई, वो आप अचानक से कोई योगी बाबा थोड़ी होगी, आपने वेबसाइट बनाया और गूगल को आपको कोड मिल गया. आप गूगल को जाके कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मुझे अपडेट करो, और गूगल कुछ कोड देगा जो आपकी वेबसाइट में आपको डालना होगा. ओके, तो वो जो कोड आप डालोगे, जब तक आपको HTML ही नहीं पता, आप कहाँ डालोगे? तो इसीलिए दो दिन की HTML क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन द इनिशियल फेज. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोडर बन जाओ, बट समझ में आना चाहिए क्या लिखा है. चलिए कमिंग टू द पॉइंट मैम, यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड है, कीवर्ड टैग इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. इसको समझना नहीं है, मेरे किसी भी सेशन में याद नहीं करना. कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड जस्ट लिसन टू मी, एक कहानी सुनो, दैट्स इट. मुझे अच्छे से पता है आपके दिमाग में कब और कहाँ और कितना डालना है. ठीक है, चलिए कमिंग टू द पॉइंट, डिस्क्रिप्शन. ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना डिस्क्रिप्शन, हाँ. ये डिस्क्रिप्शन क्या है, आप अगर यहाँ पे लिस्टिंग देखें, लेट्स गो बैक टू द गूगल सर्च एंड ये देखिए, ग्रेट सेविंग्स ऑन होटल्स, देख रहे हैं? मैम दिस इज डिस्क्रिप्शन. ये हमने वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर जो भी चीज लिखी है वो यहाँ लिस्टिंग में दिख रही है. ओके, सो जब हम SEO पे काम करते हैं ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक तरीका है किसी भी सर्च इंजन को ये समझाने का कि हमारी वेबसाइट की कैटेगरी क्या है.
हम किस कीवर्ड्स में अपने आप को प्रमोशन चाहते हैं, तो आप इसको मेटा के थ्रू समझा सकते हो। और जो लिस्टिंग होती है, जब आप कस्टमर को सेटिस्फेक्शन शो करते हो, सेटिस्फेक्शन का मतलब कस्टमर को मजबूर करोगे कि आपके लिंक पे क्लिक करे वो, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है ये शो करना। अब जब गूगल सर्च आपकी साइट पे आता है और वो देखता है कि यार इनके टाइटल में भी होटल्स इन दिल्ली लिखा हुआ है, इनके डिस्क्रिप्शन में भी होटल इन दिल्ली लिखा हुआ है, और इनके कीवर्ड में भी होटल इन दिल्ली लिखा हुआ है, फिर वो आपके कंटेंट को चेक करेगा, और आपके कंटेंट में भी अगर होटल इन दिल्ली उसको मिल गया तो उसको लगता है यार ये बंदा हर प्रोटोकॉल में अच्छे नंबर्स लेके पास हो रहा है, तो लेट्स मेक हिम द मॉनिटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड रिजल्ट। ओके, व्हाट द पॉइंट? या ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है, एसईओ इज वेरी डीप फ्रॉम इनसाइड, इट्स अ स्ट्रेटजी, देयर इज नो बुक रूल फॉर एसईओ। ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, ये सिर्फ 8 बजे का एक सेशन स्टार्ट करते हैं सुबह का और शाम तक पढ़ाते चले जाते हैं। मैम, गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन रेगुलरली अपने आप को अपडेट कर रहा है, हमें ये समझना है कि उसकी एल्गोरिथम क्या है। उसके लिए आपको मार्केट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। तो आपको टीचर्स या फिर फैकल्टी वो चाहिए जो एक्चुअल मार्केट से कनेक्टेड हो। तो इसीलिए मैम इंस्टीट्यूट के नाम पे बिल्कुल भी ना जाएं। बहुत ज्यादा कोशिश करें कि टीचर कौन है, उसकी क्या प्रोफाइल है, पढ़ा कौन रहा है, कौन है वो, क्या उसको नॉलेज है क्या। एक टीचर की सैलरी मैम कितनी होती है? 40,000-50,000, मैं कह रहा हूं 2,00,000 रुपए। आपको वो हर बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है, वो खुद क्यों नहीं कर लेता? तो मैम जब वो खुद नहीं कर पा रहा तो आपको क्यों सिखाएगा, आपको क्या सिखाएगा? बट अगर आप किसी ऐसे इंडिविजुअल से सीखें जो एक्चुअली मार्केट में काम कर रहा है और इम्प्लीमेंटेशन उसने किया हुआ है। मैम इंडिया में हर आदमी को भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। तो आप अगर दूसरों की गलतियों को पहले से अपने बकेट में डाल लें तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा सिक्योर्ड लेवल पे बना सकते हैं। आप कोई भी ऐसा पाथ नहीं पकड़ेंगे जो आपका मेंटोर आपको कहेगा कि यार ये गलत है, इसको यूज मत करना, तो आप एक सही पाथ पे रहोगे क्योंकि उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, इसलिए मैम इंस्टीट्यूट पे ना जाएं, टीचर की प्रोफाइल पे जाएं कि पढ़ा कौन रहा है, किसकी आवाज आपके दिल तक पहुंच रही है, आपको समझ कितना आ रहा है। वरना मैम जोश जोश में आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेंगे, 2 दिन जाएंगे एंड थर्ड डे आई एम श्योर आपको घर से निकलने में प्रॉब्लम हो जाएगी इंस्टीट्यूट तक। बहुत जरूरी है डिसाइड करना। चलिए, सो यू गॉट एन अनदर बूस्टर। चलिए कमिंग टू दिस पॉइंट कि अब यहाँ पे देखिए गूगल का भी रिजल्ट पेज में आपको दिखाता हूं। अगर आप जैसे आप मीडिया एजेंसीज में हैं, आप मीडिया के साथ न्यूज पेपर के साथ जुड़े हुए हैं, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कस्टमर को रोका कैसे जाता है पेज के ऊपर। बहुत जरूरी है अपने पेज पे कस्टमर को रोकना। गूगल भी एक प्रोटोकॉल यूज करता है जिसको हम कहते हैं बाउंस रेट। आपकी वेबसाइट पे कस्टमर आया और वेबसाइट छोड़ के चला गया तो क्या ये अच्छा था? गूगल को इससे क्या लगा या फिर किसी भी सर्च इंजन को इससे क्या लगा कि आपकी वेबसाइट पे अच्छा कॉन्टेंट ही नहीं था तो चला गया? हाँ, तो वो आपको नेगेटिव मार्क कर देगा। यस, इसीलिए बहुत जरूरी है अपने कॉन्टेंट को अच्छे से डिफाइन करना। तो वी इन्वॉल्व कंटेंट राइटिंग इन द कोर्स एज वेल। या लिखोगे क्या तभी तो समझ आएगा। लिखना सबको आता है। यू माइट बी वेरी गुड विथ वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, यू माइट बी वेरी गुड विथ इंग्लिश, बट मैम उसको डिफाइन करके सर्च इंजन को समझाना है ना, दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को। चलिए यहाँ पे देखिए, ऊपर से जैसे मैंने होटल्स इन दिल्ली डाला, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। होटल्स इन दिल्ली डाला, इस होटल्स इन दिल्ली जैसे कीवर्ड पे मैं ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करता हुआ आ रहा हूँ, स्क्रॉल करता हुआ नीचे तक आ गया। अब गूगल ने मुझे कुछ कीवर्ड्स दिखाए यहाँ लिखे हुए, सर्च रिलेटेड टू होटल्स इन दिल्ली। गूगल ने क्यों दिखाया, रीजन पता है आपको? नहीं, ये रीजन नहीं पता। बहुत लोगों से मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं सर हो सकता है वेबसाइट में स्पेस कम हो गया होगा, मतलब ज्यादा स्पेस होगा तो ये कंटेंट भरने के लिए डाल दिया। ऐसा नहीं होता मैम। मैम धंधा पकड़े, पूरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एक
इस तरीके से लें कि मैम इससे मनी जनरेशन कैसे होगा, कैसे। मैं बहुत बार एक सेशन में जाता हूँ या किसी भी सेशन में जाता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं कि आई आस्क देम कि ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो आप। लोग क्लास में बैठे हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, 8 बजे सुबह से आते हैं, 2 बजे तक बैठे हुए हैं, ब्लॉगिंग सीख रहे हैं। मैंने कहा क्यों ब्लॉग सीखना चाहते हो? तो सर इट्स माई पैशन टू राइट दी ब्लॉग्स। मैंने कहा सर गलत बोल रहे हो, जब तक पॉकेट में पैसा नहीं आएगा ना, पैशन वैशन सब पीछे निकल जाता है। सो टारगेट लेके चलो मैम, why you are trying to learn digital marketing, दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो आप जॉब में जाना चाहते हो, नहीं तो यू वॉन्ट टू बिल्ड अप योर ओन परफॉर्मा ऑनलाइन, आप अपना वर्चस्व बनाना चाहते हो ऑनलाइन। तो ये आपका टारगेट होना ही चाहिए और ये डिफाइंड होना चाहिए कि क्या है ये। लेट्स कम बैक टू दिस कीवर्ड सेक्शन की ये कीवर्ड सेक्शन यहाँ क्यों लिखे हुए हैं। मैम गूगल बहुत अच्छे से जानता है जो आपको अपनी वेबसाइट पे भी डालना चाहिए कि जैसी मैंने होटल्स इन दिल्ली सर्च किया और मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे पूरे पेज पे कुछ भी नहीं मिला है, कुछ रिजल्ट नहीं मिला है जिसमें मैंने क्लिक किया है। और जैसे ही मैं नीचे तक आ गया, गूगल ने कहा कि भैया ये जो कस्टमर ढूंढ रहा है ये वेबसाइट छोड़ के जाने वाला है, इसको रोक लो, इसको रोक लो। तो गूगल ने कहा कि यार एक काम करो, कुछ इस पे भी क्लिक करके देख लो, शायद आपका रिजल्ट मिल जाए। तो दिस इज कॉल्ड कस्टमर रिटेंशन। बहुत जरूरी है जब आप अपना ब्लॉग बनाए, जब अपना कंटेंट बनाए, या फिर चाहे यूट्यूब वीडियो बनाए या कुछ भी बनाए डिजिटल मार्केटिंग में, जो कंटेंट आपका होगा उसमें यूजर को रोकना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारी साइट पे, जैसे लेट्स गो टू Amazon, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ Amazon। आप Amazon पे जाते हैं, Flipkart पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप जिस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं ना उसके नीचे कुछ सजेस्टेड प्रोडक्ट भी आने लगते हैं। Amazon को बहुत अच्छे से पता है, उस डिजाइनर को जिसने वो पेज डिजाइन किया उसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे हो तो आप पेज छोड़ दोगे। एक कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लाना बहुत मेहनत का काम है और उसको रोक के रखना और भी ज्यादा मेहनत का काम है। इसलिए अपनी वेबसाइट का कंटेंट जब आप बना रहे हैं, जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कीजिए कि यूजर को अगर आपका जो पेज है अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड जो कंटेंट है उस पर आप नेविगेट उसको करवा सकते हैं। बहुत बार आपने रात में देखा होगा मैम, अचानक से हमारे पास सामने लिखा हुआ था शाहरुख खान के बेटे ने ये किया, हम उस पर एड पे क्लिक कर देते हैं, उस कंटेंट पे पहुंचते हैं, अचानक से हमें कुछ दूसरा मूवी का रिव्यू एड मिल जाता है और हम डायरेक्टली वहां चले जाते हैं, हम कुछ देखते नहीं, देखिए बट डैम टू इट कि शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या हुआ। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग, दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर टू आवर कंटेंट, जो हम उसको दिखाना चाह रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी विच वी बिल्ड। ये सारी चीजें SEO के अंदर आती हैं। SEO को टेक्निकली अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो पहला पार्ट होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, सेकेंड पार्ट होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब अपनी वेबसाइट पे आपने जो भी काम किया दैट इज कॉल्ड ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपने अपनी वेबसाइट पे काम करके गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को समझाया कि हमारी कैटेगरी क्या है, हम किस कीवर्ड पे अपने आपका प्रमोशन चाहते हैं। ठीक है, जब इस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे काम खत्म हो जाता है फिर हम काम करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज मतलब जैसे इस क्लास के बाद आप अपने किसी फ्रेंड को बताएंगे कि यार मैंने एक रात का सेशन ज्वाइन किया था, एक कुछ पागल सा बंदा था वो कुछ बोल रहा था। नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप अच्छा बोलेंगे या तो खराब बोलेंगे। तो मैम मैं अगर अपनी प्रमोशन कभी करता हूँ तो मेरा चिल्ला चिल्ला के अपने बारे में अच्छा बोलना या फिर आपका आपकी फ्रेंड को मेरे बारे में कुछ अच्छे रिव्यूज देना, ज्यादा इम्पैक्ट कौन करेगा मेरे बिजनेस के लिए? मेरे को उसके साथ जो मैं बोलूंगी आपके बारे में अच्छा, वो इम्पैक्ट ज्यादा करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। मतलब दूसरों की वेबसाइट पे अगर आपके बारे में अच्छा कॉन्टेंट लिखा हुआ है जो पहले से गूगल सर्च में इन्वॉल्व है, दैट मीन्स वो आपके लिए ट्रस्ट लेवल क्रिएट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ गूगल। दिस इज कॉल्ड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। दूसरों की वेबसाइट पे जाके अपने कंटेंट को डालना। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉग्स जब आप पढ़ते हैं उस पे कुछ छोटा सा दो लाइन का लाइनर दे दिया और उसके नीचे रीड मोर डाल दिया, जैसे आप रीड मोर करते हो कुछ दूसरा पॉपअप खुल जाता है, किसी दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाते हो आप। दैट इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग। बहुत जरूरी हो करना, जितना ज्यादा आप करोगे। नाउअडेज गूगल इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट। जैसे अगर मुझे 10 लाख की जरूरत है इस टाइम और मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं अंकिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा अंकिता जी मुझे 10 लाख रुपए दे दो। आप बिल्कुल नहीं दोगे, कहोगे सर 1 घंटे का तो मैंने सेशन ज्वाइन किया आपका, मुझे क्या पता आप कौन हो, लेके भाग जाओगे। तो बट लेट सपोज मैं आपकी किसी फ्रेंड को जानता हूँ
और मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया कि यार अंकिता से मुझे 10 लाख रुपए दिलवा दो, और आपके फ्रेंड ने आपको कॉन्टेक्ट किया, बोला यार प्रभाकर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, 10 साल से हमारी फ्रेंडशिप है, कहीं नहीं जाएगा बंदा, अगर जाएगा तो मैं दूंगा पैसे. तो दैट मींस देयर इज अ पर्सन इन्वॉल्व जो मेरा ट्रस्ट लेवल आपके सामने इंक्रीज कर रहा है. ऐसा ही मैम गूगल के साथ होता है, किसी भी सर्च इंजन के साथ होता है. अगर आपके बारे में दूसरे वेबसाइट्स अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं और आपका विजिटर उस वेबसाइट के थ्रू आपके पेज पे लैंड कर रहा है तो वो आपके एसईओ रैंकिंग को बढ़ाएगा. एसईओ इज ऑल अबाउट, ये कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है. हम जो कोड्स लिख रहे हैं, जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैम कहीं ना कहीं आप सिर्फ फोकस करें कि आपका जो कस्टमर आपके पास आ रहा है वो कितना सैटिस्फाइड रिजल्ट लेके जाएगा. जिस दिन आप ये समझ गए ना, एसईओ स्ट्रेटजी तो मैम सिर्फ प्लग एंड प्ले है, आप आराम से कर सकते हैं. एवरीथिंग इज डिफाइंड इन यूआई, आप आराम से यूआई से मेंटेन कर सकते हैं. बट कहीं ना कहीं हमें जरूरत है समझाने की. अब एसईओ पे ज्यादा बात न करते हुए लेट मी टेक यू टू द पेड एड्स पार्ट, कि हम कोर्स के दौरान पेड एड्स पे कैसे काम करेंगे. लेट सपोज मैम आप चाहते हैं, आपने एक नया होटल खोला और आप चाहते हैं कि होटल्स इन दिल्ली में सबसे टॉप ऑर्गेनिक रैंकिंग पे आप आ जाओ. बट मैम मेक माई ट्रिप की 2000 बंदों की एसईओ की टीम है, तो डू यू थिंक कि आप घर में अकेले बैठ के काम कर पाओगे? नहीं ना, उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं. सो ऐसे क्या प्रोसीजर्स हैं, ऐसे क्या टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज करके मेक माई ट्रिप को भी 15 मिनट में बीट कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड पेड एड्स. आप किसी भी कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को टॉप लिस्टिंग में ला सकते हो विद द यूज ऑफ गूगल एड्स. गूगल सर्च की बात कर रहा हूँ, हर सर्च इंजन आजकल पेड एड चला रहा है. जैसे अगर हम बात करें बिंग याहू की, तो उसमें बिंग एड्स चलता है. इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, उसमें फेसबुक एड्स चलते हैं, उसमें इंस्टाग्राम एड्स चलते हैं. क्लियर है? लिंक्डइन की, लिंक्डइन में लिंक्डइन एड्स चलते हैं. तो इसके लिए एसईओ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टेबल है, जरूरी है. रीजन आपको बताता हूँ मैम, इंडिया में बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये महसूस किया कि इंडिया में अगर कोई आदमी ना फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो कहता है यार सब कुछ छोड़ो, मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ. है ना, होता है ना ऐसा? बट करना कुछ नहीं है, बस सोच है हमारे दिमाग में कि भैया आईएएस बनना है अब. सो लेट सपोज अंकिता ने एक दिन डिसाइड किया मुझे आईएएस बनना है. अब अंकिता को पढ़ने का तो मन नहीं है, तो अंकिता का एक फ्रेंड था जिसके भैया आईएएस थे, अंकिता ने उसको कॉन्टेक्ट किया और अंकिता ने बोला कि भैया मुझे कुछ ऐसा अब बताओ जिससे ज्यादा पढ़ना ना पड़े और मैं आईएएस निकाल लूं, बहुत इजी रिटर्न निकाल लूं, मेरे पास कॉन्फिडेंस तो है, इंटरव्यू तो मैं निकाल ही लूंगी. तो भैया ने बोला कि यार अंकिता कुछ नहीं करना यार, जो मैंने किया था वैसा ही कर लो, आप जाओ ऑनलाइन और एक बुक खरीद लो और उस बुक को सीधा 30,000 की बुक है वहां जाके पेमेंट करो, बुक डाउनलोड हो जाएगी, पढ़ लेना, रट लेना, क्वेश्चन उसी से आएंगे. अंकिता खुश, कॉलोनी में मिठाई विठाई बट गई कि आईएएस सब निकल जाएगा. आपने अमाउंट भी पे कर दिया ऑनलाइन जाके. आपने क्या किया, आपने गूगल पे सर्च किया आईएएस बुक, सर सबसे ऊपर जो ऐड आया आपने क्लिक किया, अमेज़न से बुक खरीद ली. कंफर्टेबल, 3 दिन मजे से सोए, जब तो कुछ लाइफ में करने की जरूरत नहीं, आईएएस बन गए, काम खत्म. 3 दिन बाद बुक आपके यहाँ डिलीवर होती है, आप उसको खोलते हो, 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर निकलते हैं उससे. झटका लगा ना मैम? लगा ना, बहुत 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 तगड़ा झटका लगा, 30,000 का. एंड नाउ व्हाट हैपेंड विद दिस स्टोरी, गूगल जस्ट लॉस्ट द पोटेंशियल कस्टमर लाइक यू. आप जिंदगी में दोबारा अब आईएएस की बुक सर्च करने तो गूगल पे नहीं जाओगे, आप नई सड़क चले जाओगे और वहां से बुक खरीद के ले आओगे. है ना, ऐसा ही होगा ना? ऐसे ही होगा. गूगल लॉस्ट द पोटेंशियल कस्टमर लाइक यू. अगर आप गूगल के ओनर होते तो क्या इस टाइप के बिजनेस चलने देते क्या? नो वे, नहीं चलने देते ना. सो मैम एड्स चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं आपके लैंडिंग पेज, दैट मींस जब आप क्लिक कर रहे हो उस एड पे, जिस पेज पे आप लैंड कर रहे हो, दैट इज टेक्निकली नोन एज लैंडिंग पेज. सो लैंडिंग पेज पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है. दैट मींस गूगल को आपको समझाना पड़ेगा. अगेन एसईओ वाली बात स्टार्ट हो गई, मेटा टैग, कीवर्ड टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, टाइटल. आपके एड में क्या लिखा है, आपके एड में अगर लिखा है होटल्स इन दिल्ली, तो क्या आपके पेज जो लैंडिंग पेज है उसके कंटेंट में होटल्स इन दिल्ली कहीं लिखा हुआ है क्या? ये सारी चीजें यूज करके गूगल एक परफॉर्मेट निकालता है, फॉर्मेट निकालता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्कोर. जो भी कीवर्ड आप पेड एड्स में लगाओगे उसका एक क्वालिटी स्कोर गूगल आपको देता है. द मैक्सिमम स्कोर विच यू कैन गेट
out of this quality score is 10. So for example, अगर आप बहुत अमीर हो, आप अचानक से होटल स्टार्ट करते हो और आप कहते हो प्रभाकर यार, I don't want to waste time on SEO. Let me just build up my ad and मैं directly paid ads चला दूंगी, on कर दूंगी. तो ठीक है, you can go for that. But मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल अपना एक SEO पे काम करूंगा और अपने होटल की वेबसाइट को अच्छा बनाऊंगा, लैंडिंग पेज पे काम करूंगा, फिर उसके बाद मैंने ऐड चलाया. अब मैम, जब भी आप गूगल पे ऐड चलाते हो ना, तो आपको एक अमाउंट देना होता है गूगल को, जो आपके और गूगल के बीच में एक एग्रीमेंट रहता है कि पर क्लिक मैं आपको इतना अमाउंट दूंगी. आई बिलीव यू आर वेरी वेल नोन टू दैट, है ना. तो पर क्लिक उसको टेक्निकली हम कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक. अच्छा, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, सीपीसी. सो ये जो सीपीसी है, लेट सपोज आपके पास बड़ा पैसा, तो आपने गूगल को सीपीसी दे दिया, कितना, 200 रुपीज पर क्लिक में दूंगी. और मैम, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 21 रुपए ही है सिर्फ, मैंने 21 रुपीज की बिड लगाई. तो लॉजिकली जो लोग समझते हैं, जो लोगों का लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को लगता है जो ज्यादा पैसा देगा वो टॉप में रहेगा. ऐसा ही होता है ना? ऐसे ही होता है. I even never go to top. I always go for the below line, जो होता है, उस पे ही जाते हैं. ठीक है, चलिए. So every periodic table do have an exception, and you are the one. ठीक है. So people always click on the first link. 99. I told you every periodic table do have a like exception. ठीक है. चलिए, अब बात करते हैं इस पे कि मैम, जब let's suppose आपने 200 का bid लगाया, तो गूगल है ना, एक बिड रैंक नाम का एक फंडा यूज करता है, जिसको हम एड रैंक भी कहते हैं. इस एड रैंक का फॉर्मूला होता है क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाइड बाय योर अमाउंट बिड. ओके, तो अगर आपके पास बहुत पैसा था, तो आपने जो एड बिल्डअप किया था एड, लेट सपोज आपका क्वालिटी स्कोर बहुत खत्म है, क्योंकि आपने एसईओ पे काम किया नहीं, आपने पेजेस पे काम किया नहीं, आपने सिंपल एड बना दिया, तो आपको गूगल ने दिया 1 out of 10. तो आपका बिड रैंक की वैल्यू क्या बनी मैम? 1 multiplied by 200. 200 is equal to 200. Yeah. मैंने SEO पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है और मैंने अपने लैंडिंग पेज पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है. लैंडिंग पेज में, वेबसाइट की SEO की बात नहीं कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज की SEO की बात कर रहा हूँ. बहुत अच्छा काम किया अपने लैंडिंग पेज के ऊपर. सो यू वेरी वेल नो नाउ कि लैंडिंग पेज होता क्या है. ओके, ठीक है, चलिए. लैंडिंग पेज में बहुत अच्छा काम किया हुआ, यूजर कंफर्टेबल जोन बनाया हुआ है, जब यूजर आ रहा है तो उसका उसका रिजल्ट सामने सामने दिख रहा है. मेरा क्वालिटी स्कोर 10 out of 10 है और मैंने अमाउंट कितना लगाया, 21 रुपीज. तो मेरा बिड रैंक की वैल्यू कितनी निकली मैम? एड रैंक की 210. मैं 21 रुपए दे के भी आपसे ऊपर बैठूंगा. नाउ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डिजिटल मार्केटर्स इन द मार्केट for the big companies, big brands, because वो चाहते हैं कि आप इस type की strategies को use करके उनका जो expense, जो daily budget है, उसको कम करो. Clear? Amazon, Flipkart, Adobe, ये सारे लोग क्यों digital marketers को ढूंढ रहे हैं? क्यों Google certified experts को ढूंढ रहे हैं? क्यों AdWords certified experts को ढूंढ रहे हैं? High pay salary दे रहे हैं. Salary starts from 45,000 and goes up to somewhere around 1 lakh for the initial level. क्यों हो रहा है ये? इसीलिए हो रहा है मैम, उनका आप 10 करोड़ 20 करोड़ का बजट बताओगे इस चक्कर में. आप खुद सोचो ना, हमने एक सिंपल सी कैलकुलेशन की बात की और मैं आपसे कम से कम 10% नीचे रिजल्ट पे हूँ, फिर भी आपसे ऊपर बैठा हुआ हूँ. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में और हमें किस टाइप से अपने आप को बिल्डअप करना है. अब हम इस चीज पे आते हैं मैम, ये पेड एड्स हो गया. पेड एड्स के बाद हम सोशल पे बात करते हैं, जो हमारे कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. सो अंकिता, सोशल, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल, और ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम, और प्रमोशन के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, कैन यू टेल अस? सोशल इज बेसिकली नेटवर्किंग. ओके, बीइंग सोशल मींस यू आर इंटरेक्टिंग विद योर पीयर्स, यू आर इवन यू नो इंटरेक्टिंग विद फ्रेंड्स. बीइंग सोशल मतलब बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताता हूं मैम, मैं आपको रीजन बताता हूं, सोशल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और सोशल पे इतना ट्रैफिक क्यों है. मैम, ये जो भगवान ने जो इंसान बना के भेजे ना धरती पे, ये अपनी लाइफ में तो बड़ा खुश है, लेकिन दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है ये इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है. जब हम फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं ना, वी गिव अ डैम टू इट कि फोटो कैसी आई.
वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट की फोटो कैसी आई, व्हाट वी आर बॉदर्ड अबाउट की उसके नीचे लाइक्स और कमेंट्स क्या आ रहे हैं. हम इतने ज्यादा अडेप्टेड हैं कि बाथरूम में सिंडास पे बैठ के भी हम आजकल स्वाइप करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. हाँ, दूसरों की सोशल, दूसरों की जिंदगी में झांकने का हमें मौका देता है और हमें ये एक्सपीरियंस देता है कि हम जब चाहें खिड़की खोल के देख लें और खिड़की बंद करके पॉकेट में रख लें. दिस इज व्हाई सोशल इज कमिंग इन एवरी डे एंड नाइट. और सबसे ज्यादा कस्टमर्स आपको वहां से मिलेंगे. तो सोशल स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और डिजिटल मार्केटिंग में सोशल इज टेक्निकली नोन एज SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. दिस इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स. नाउ इसमें हम पढ़ेंगे फेसबुक पे अपने आप का प्रमोशन कैसे करें, यूट्यूब पे अपने आप का प्रमोशन कैसे करें, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उस पे कैसे करें, क्या करें जिसपे लोग हमें अट्रैक्ट देखें, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो या फिर हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज हो, हमारे पास पेज लाइक्स बढ़े. पेड एड की हम बात कर लेते हैं, पेड एड में तो बहुत सारी चीजें आती है. हर सर्च का, हर सोशल प्लेटफॉर्म का एक अपना पेड एड होता है, उसके प्रोटोकॉल को समझना है और कम बजट में अच्छा एड निकालना है. दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन प्लस अगर हम ऑर्गेनिक सर्च की बात करें या ऑर्गेनिक रैंकिंग की बात करें तो हर प्लेटफॉर्म में ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है. रीजन समझो ना, आप भी कोई सॉफ्टवेयर अगर बनाओगे इस तरीके का तो आप कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई दिखाओगे तभी तो चल पाओगे. डेफिनेटली. हर बिजनेस में ऑर्गेनिक रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप फेसबुक की बात कर लो, लिंक्डइन की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, बट पैसा कमाने का जरिया एड्स है. तो हमें एड भी समझना है और वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑर्गेनिक भी समझें क्या है. तो हम SMO के दौरान ऑर्गेनिक की बातें करेंगे और पेड एड्स की बातें करेंगे. उसके बाद हम यूज करते हैं विराल टेक्नोलॉजी कि यूट्यूब पे कैसे अपने यूट्यूब के वीडियोस का व्यूज बढ़ाएं, इंक्रीज करें व्यूज. लोग एक वीडियो बनाते हैं और अचानक से ट्रेंडिंग में आ जाते हैं. हाँ, कैसे होता है वो, कैसे कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पे लेके आए और उसको यूट्यूब वीडियो दिखाएं, उसको फोकस कर दें कि बिल्कुल क्लिक करो जी और लाइक करो और शेयर करो वीडियो को. उसमें लास्ट में वीडियो देखने के बाद प्लीज क्लिक एंड लाइक शेयर भी आता है. इवन इफ इट्स उसको हम एडवांस सेटिंग कहते हैं. अगर आपका खुद का चैनल है तो वहां पे एडवांस सेटिंग में जाके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि लास्ट में क्या वीडियो दिखेगी, आपका थम्स अप साइन दिखेगा, क्या आपको दिखाना है. यू कैन एबल टू कंट्रोल दैट. और बहुत सारी चीजें मैम, सेल्फी मैंने ले लिया कि कॉन्टेंट इतना अच्छा था कि लोगों ने देखा नहीं था, तरीके पता था उसको कैसे करना है, उसने कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं की है. बट जो चीज हम पढ़ के करते हैं उसने शायद बिना पढ़े वो चीज मजे मजे में इम्प्लीमेंट हो गई उससे. ठीक है, उसने कुछ ऐसा कंटेंट लिख दिया या बोल दिया जो चीज हम पढ़ के भी नहीं कर पा रहे हैं. और शी अर्न समवेयर अराउंड लाइक लैक्स इन कपल ऑफ मंथ्स. शी वाज ऑन स्टेज विद सलमान खान, या अ बिग हिट. अंकल जी ने, वो जीजा जी ने डांस कर लिया स्टेज पे और अचानक से 15 लाख रुपए 3 महीने में कमा लिया यूट्यूब से, मोनेटाइजेशन से. कैसे कमा लिया? दिस इज कॉल्ड यूट्यूब एडसेंस, जहां से आप समझेंगे कि कैसे आपके पास पैसा आएगा. एडसेंस इज ए टेक्नोलॉजी जो गूगल ने एक आपको एक टूल बना के दिया है जिसकी वजह से आप अपने मोनेटाइजेशन को कंट्रोल करते हो, अपने पैसे को. जैसे लेट सपोज आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे आप जाते हो तो आपको छोटे छोटे एड्स दिखते हैं. तो ये जो वेबसाइट्स हैं, ये ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स पे आप गूगल को अपना प्लेस रेंट पे दे सकते हो और जो लोग भी उस पर क्लिक करेंगे ना आपके एड के, जो आपकी वेबसाइट पे दिख रहा है, जैसे अगर आप उस वेबसाइट के ओनर हो और मैं एड चला रहा हूँ, मैं एड कहाँ से चलाऊंगा, गूगल एडवर्ड से. ठीक है, मैं अगर एड चला रहा हूँ तो मेरा और गूगल का एक एग्रीमेंट होगा ना कि इतने में पर क्लिक का मैं पैसा दूंगा आपको. दैट इज कॉल्ड CPC. CPC. तो बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी, CPC है, CPM है, ये डिपेंड करता है कौन से उस पर चला रहे हो. लेट्स टॉक, मतलब जनरल समझते हैं कि आपको एक पैसा देना है पर क्लिक का. तो जैसे ही मैंने आपकी वेबसाइट पे आप अगर ब्लॉगर और आपने गूगल के एड्स चला रखे हैं और मैं आपकी वेबसाइट पे एक विजिटर बन के आता हूँ और मैंने क्लिक किया आपकी वेबसाइट पे किसी भी एड पे कॉन्टेंट पढ़ने के दौरान, तो मैम उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड 60% कट चला जाता है गूगल को और 40% आपके अकाउंट में आ जाता है जितने का वो पर क्लिक था. और इस तरीके से आप गूगल से पैसा कमा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एडसेंस. ओके, ठीक है. इसके बाद हम बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, हमारे कोर्स के दौरान हम बहुत ज्यादा ये बताते हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे करोगे आप.
वी इनवाइट लॉट ऑफ गेस्ट स्पीकर्स जो ये बताते हैं कि कैसे आप फ्रीलांसिंग करोगे, कस्टमर के आगे बैठ के बोलोगे क्या, सीख तो आपने लिया, सामान कैसे बेचोगे, है ना? जैसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट खोलते हो तो बच्चे आएंगे तो आप कन्विंस कैसे करोगे? बहुत जरूरी है। आप चाहते हो आप घर बैठ के अच्छा खासा एक वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट कंपनी खोल लो या आप सोशल प्रमोशन करो लोगों का, तो लेकिन मार्केट में निकल के प्रोजेक्ट पकड़ना भी तो आना चाहिए ना, ऑब्वियसली, है ना? तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी है करना, कॉन्फिडेंस लेवल आता है। आप अपने दिमाग पे भरोसा रखो क्योंकि आपका जनरेटेड बिजनेस आइडिया है वो। मैं मेरे बोलने से आपका कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल जाना, इट जस्ट आई कैन बी ए मेंटर वेयर इन आई कैन गाइड यू कि ये स्टेप यूज करो, तभी काम होगा, ठीक है? चलिए, तो ये मैम पूरा कोर्स का हमारा पूरा फॉर्मेट है। Okay. और बाय द एंड ऑफ द कोर्स हम आपको सर्टिफाई करवाते हैं गूगल से, गूगल इंडिया से, एंड वी गिव आर सर्टिफिकेशन एज वेल। जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैम आपका जो कोर्स होता है वो आपकी केस स्टडी होती है। जैसे जिस दिन से आप कोर्स ज्वाइन करेंगे यू विल हैव अ डोमेन एंड अ होस्टिंग डिफाइनर। अगर आप इसको जॉब के तरीके से देख रहे हैं, करियर बूस्टअप के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको सिंपल अपने डोमेन पे काम करेंगे। जैसे आप अंकिता.com एक डोमेन आपने ले लिया, और अंकिता.com के पूरे पूरे सिनेरियो पे आप पूरे कोर्स के दौरान अंकिता.com पे ही काम कर रहे होंगे। सो दैट होगा क्या, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना और इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू कैन सिंपली से सर गो टू गूगल एंड टाइप माय नेम, यू विल गेट टू सी मी। दैट मेक्स एन एक्स फैक्टर टू द काइंड ऑफ सैलरी पैकेज व्हिच इज बीइंग रिटन ऑन द profile, that gives you the X factor. वरना तो मैम भीड़ लगी हुई है, लोग resume लेके लाइन में खड़े हैं। हमें इतना special क्या है जो हम convince कर पाएं एक interviewer को या एक company को? कुछ ना कुछ special होगा तभी तो मैम दिखेंगे हम। Yeah. अपने आप को बेचना आना चाहिए। Definitely. और अगर business आप देख रहे हैं, अगर आप digital marketing को business के तरीके से देख रहे हैं, तो मैम बहुत जरूरी है अपने आप को पकड़ना, कस्टमर के सामने अपने आप को प्रूफ करना बहुत जरूरी है, अपनी विजिबिलिटी लेके आना। मैं एक सेमिनार में गया, वहां पे एक श्रीमान थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरी सीमेंट और रेडी की जो सीमेंट फैक्ट्री जो होती है उससे वो सीमेंट लेते हैं और रखते हैं, और वहां पे लोग जो छोटे छोटे घर बनाते हैं छोटी मोटी कॉलोनीज में, वो वहां से सीमेंट और बदरपुर ये सब रोड़ियां ये सब लेके जाते हैं। उन्होंने पूछा मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूंगा, मेरा तो नॉर्मल ग्राहक है, उसको क्या पता डिजिटल मार्केटिंग। मैंने कहा सर आज एक रिक्शा वाला भी ना फेसबुक चला रहा है, जब उसका ग्राहक नहीं होता तो यूट्यूब पे देखता है, वीडियोस देखता रहता है बैठ के, वो व्हाट्सएप पे वीडियोस देखता रहता है, होता है ना ऐसा अंकिता? ऑब्वियसली, है ना? Yeah. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो मैम हमारा बहुत बड़ा मास इस टाइम इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये जियो के बाद तो और ज्यादा हो गया है। तो यस, तो बहुत जरूरी है। मैंने उनको जवाब क्या दिया कि सर देखिए, अगर कोई सैटरडे संडे ऑफिस में बैठा हुआ है, हमारा आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? वो बंदा जो ऑफिस जाता है और शाम को वापस आता है और बड़ी मेहनत से पैसा कमा के घर बनाता है। तो मैम अगर वो बंदा अगर ऑफिस में बैठा हुआ है, अपने फेसबुक पे काम कर रहा है, फेसबुक में या फिर किसी भी प्रोफाइल में आप नंबर्स के थ्रू या फिर आप अपने लोकल एरिया में जो आपके नंबर्स चल रहे हैं या लोकल लोग जिनके जियो अकाउंट पे जिनके लाइक लोकेशनल कीवर्ड्स पे या लोकेशन से जिसको जीपीएस ने सर्च किया है गूगल के पास या फिर फेसबुक में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं एड्स के दौरान जो आप कंट्रोल कर सकते हो और फिल्टर कर सकते हो कि इन लोगों को आपका एड दिखे इस लोकेशन में। अगर उस लोकेशन में ना आपके फेसबुक के एड्स या आपके डिस्प्ले एड्स बहुत ज्यादा रनिंग मोड में है ना, बार बार दिख रहे हैं, तो होगा क्या, जब वो आदमी घर बनाएगा ना और जब उस रोड से निकल रहा होगा ना, ये भी सीमेंट खरीदने कहीं और से, और आपका बोर्ड सामने आएगा ना, तो उसके लिए आप एक ब्रांड हो गए उस टाइम उसके दिमाग में, ऑब्वियसली, है ना? इससे पहले आप ब्रांड नहीं थे, आप एक छोटी सी दुकान थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा बढ़ा दो। मैं आई वेंट टू अंदर सेशन जहाँ पे ओसवाल ग्रुप के ओनर थे, और उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे से पूछा
प्रभाकर यार मेरा तो एक नॉर्मल शॉप है और मेरे पास वेंडर्स हैं जो मेरे से वुलन खरीद के ले जाते हैं, ऊन खरीद के ले जाते हैं, मेरे को क्या जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट करने की? मैंने उनको बताया कि सर देखिए डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट करने से मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ सर कि हमारी जो जनरेशन है ना, आपकी दुकान तब तक चलेगी जब तक मेरे दादा और मेरे पापा लोग बैठे हुए हैं। मेरी आदत आज ऐसी है कि मैं सब्जी खरीदने भी मार्केट में नहीं जाता, बुक कर देता हूँ। तो जब मेरी जनरेशन खरीदने पे आएगी ना, और मेरी जनरेशन जब बची हुई होगी ना, जब हम बुढ़े हो जाएंगे, या फिर करेंटली जब मेरे पापा भी अडेप्ट हो जाएंगे मेरी तरह इंटरनेट से, जो कि हो चुके हैं लोग, तो मैम जब वो लोग आएंगे ना और उनको वुलन स्वेटर्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे वुलन स्वेटर्स, दे गिव अ डैम टू इट कि वहां पे ओसवाल दिख रहा है नहीं दिख रहा, जो भी स्वेटर पसंद आएगा हम चूज कर लेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने बिजनेस को बढ़ाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने बिजनेस को बचा लो, वरना मार्केट से गायब हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा। And the result is he is now my student. But sir, I have a question. Sure. मतलब we Indians have a habit of touching the material and then selecting for yes, it. Yes, of course. So in case of clothes, we touch the clothes and we see कि कौन सा कैसा कपड़ा है. Even I shop, but the thing is, I never trust on clothes when I shop for online. Not for clothes, but for the products like anything. Ma'am, you can take the example of anything. जब तक चीज आपके हाथ में आके आप comfortable zone में नहीं आते ना, आपको समझ नहीं आती है। इसीलिए तो मैम जितने बड़े बड़े ये Amazon, Flipkart, Myntra ये सारी चीजें हैं, ये easy to return policies देते हैं कि घर बैठ के मंगाओ, चीज पसंद नहीं है तो return कर दो। हाँ, वो चीज तो रहती है। तो मैम definitely कहीं ना कहीं जो आपने question पूछा उसका answer आपको मिल गया। Touch करके देख लो घर बैठ के, हम प्रोडक्ट भेज रहे हैं, कपड़ा देख लो, नहीं पसंद आया तो रिटर्न कर दो, हम तो पूरा अमाउंट रिफंड कर रहे हैं। है ना? चलिए और कोई क्वेश्चन मैम? सर, कैन आई नो दैट आपकी क्लास मतलब कब होती है, मतलब लाइक इफ आई वांट टू ज्वाइन? जैसे मेरे निशा से बात हुई थी तो शी टोल्ड मी कि 9 टू 10 आर यू अवेलेबल ऑन मैम? देखिए मेरा अभी जो स्लॉट है वो 8 टू 9 का स्लॉट है जिसमें आई एम अवेलेबल, एंड स्लॉट्स चेंज होते रहते हैं और